नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। उन्हें पहले से ही सब्सिडी के रूप में 200 रुपए मिल रहे हैं। इस तरह अब उनके खाते में 400 रुपए की सब्सिडी आएगी। सरकार ने जल्द ही निर्धन परिवारों की 75 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नए कनेक्शन का वितरण शुरू करने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि गैस की कीमतों में कटौती होने से हमारी बहनों का जीवन और आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व हमारे परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और ये दिन हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उनको याद किया और श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। भारत को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर गर्व है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मेजर ध्यानचंद को याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को नमन करते हुए हम उन सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हैं जो अपने अथक परिश्रम से देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारे खिलाड़ियों का समर्पण और संकल्प जल्द ही भारत को खेल जगत की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 4 देशों के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एस्टोनिया गणराज्य की राजदूत मार्जे लूप, यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर ओलेक्सांद्र पोलेशचुक, बुर्किना फासो के राजदूत डॉक्टर डिजायर बोनीफेस सोम, नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर के परिचय पत्र स्वीकार किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा में सांगोद के दूधिया खेड़ी में लाडली बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज इन बहनों से स्नेह और समर्पण का रिश्ता स्थापित हुआ है। मेरी ये बहनें अपने जीवन में खुशी की अनुभूति करें, इसका दायित्व हमारा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने ओणम पर्व की देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि ओणम पर सभी साथी नागरिकों और केरल के हमारे भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम अनगिनत उपहारों के लिए प्रकृति माँ के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि यह फसल उत्सव सभी के बीच समृद्धि, सद्भाव और खुशहाली लाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं और बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ओणम एकता, फसल और सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव है जो कि समुदायों को परंपराओं के बंधन में बांधता है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार कृषक समुदाय के अथक प्रयासों का सम्मान करने और प्रकृति की कृपा के लिए उसके प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। ट्वीट के जरिए संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को ओणम की शुभकामनाएं, आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, अद्वितीय आनंद और अपार समृद्धि की वर्षा हो। पिछले कई वर्षों में ओणम एक वैश्विक त्यौहार बन गया है। उन्होंने कहा कि ये केरल की जीवंत संस्कृति को खूबसूरती से प्रदर्शित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओणम की बधाई देते हुए कहा कि मेरे सभी देशवासी, विशेष रूप से केरल के लोगों को प्रचुर और आनंदमय ओणम की शुभकामनाएं। यह शुभ वार्षिक फसल उत्सव आपके जीवन के हर कोने को खुशी, समृद्धि, प्रेम और एकजुटता से भर दे। 63वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन सोमवार को कामानी ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान देश भर से चुने गए 20 कलाकारों की कलाकृतियों को भी पुरस्कृत किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
रविवार की शाम विशिष्ट बन गई जब देश के अलग अलग क्षेत्र के कलाकारों की कलाकृतियों का रसा स्वादन एक साथ एक छत के नीचे लेने का सौभाग्य मिला। अवसर था ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 63वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के उद्घाटन का। कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान किया गया। अट्ठाईस अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 20 कलाकारों की कलाकृतियों को सम्मानित किया गया। विजेता कलाकारों को शॉल, प्रशस्ति पत्र और 2,00,000 रुपए से सम्मानित किया गया। इस दौरान सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज जोशी, सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं पटकथा लेखक चंद्रप्रकाश द्विवेदी, सुप्रसिद्ध कलाकार वासुदेव कामत और सुप्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार उपस्थित रहे। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर वी नागदास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि हम विंसेंट वॉन गॉग की कहानियों को जीना पसंद करते हैं, जिन्होंने जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष किया, लेकिन हम राजा रवि वर्मा को भूल जाते हैं जो एक राजा की तरह रहते थे और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। कलात्मक संघर्ष का अर्थ आर्थिक रूप से संघर्ष नहीं होना चाहिए। अपने उद्घाटन भाषण में मनोज जोशी ने कला के विभिन्न रूपों के बारे में बताते हुए कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपस्थिति हमारे चारों ओर है, लेकिन फिर भी हमारी रचनात्मकता में मानव हृदय और हाथों की भागीदारी को कोई कम नहीं कर सकता है और न कर सकता है। वहीं चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कहा कि कलाकारों का संघर्ष कभी कम नहीं होता, वह जीवन भर बना रहता है। उद्घाटन एवं पुरस्कार समारोह के बाद कार्यक्रम ललित कला अकादमी के रविन्द्र भवन दीर्घा में स्थानांतरित कर दिया गया। कलाकृतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक उमड़ पड़े। प्रदर्शनी में जीवन के विभिन्न रंग अलग अलग फॉर्म में देखने को मिले। कहीं सेरेमिक तो कहीं स्टोन वर्क। कुछ कलाकारों ने मेटल को अपनी कला प्रदर्शन का आधार बनाया तो कुछ ने कैनवास, रंग और ब्रश को। जीवन की गोरता, परेशानियां सहित विभिन्न भावों के प्रदर्शन का माध्यम बनी इन कलाकृतियों में नवरस का मेल देखने को मिला। प्रदर्शनी के लिए उन कलाकारों की कलाकृतियां भी रखी गई हैं जिन्हें पुरस्कार तो नहीं मिल सका, किंतु उनकी कलाकृतियां निर्णायक मंडल को पसंद आई। सभी कलाकारों की प्रस्तुति देखकर यह कहा जा सकता है कि कला प्रस्फुटन के लिए उम्र मायने नहीं रखती। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।